अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022 एंड 23 के डिटेल्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को, हम अंडर ग्रेजुएट में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं, अलाइड हेल्थ साइंस में और बी एस फोर ईयर प्रोग्राम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं अलाइड हेल्थ साइंस प्रोग्राम्स के, जिसमें हमारे पास है बी एस कार्डिक परफ्यूजन, बी एस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बी एस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अगर स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल में, एफएससी एमएलटी में, एफएससी एमएलटी में इसके इक्विवेलेंट, तो वो एलिजिबल है फॉर अप्लाई के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट ने एफएससी एमएलटी की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं बीएस एमएलटी में ओनली, और किसी स्टूडेंट ने एफएससी एमआईटी की हुई है तो वो ओनली अप्लाई कर सकते हैं बीएस एमआईटी में। बट जिस स्टूडेंट ने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है वो इन तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूट्रिशन एंड डाइट्स हमारे पास आ रहे हैं बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास है बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस जेनेटिक्स एंड बीएस फार्म टेक्नोलॉजी। अगर स्टूडेंट के 50% मार्क्स है एफएससी प्री मेडिकल्स में या ए लेवल्स में विद बायोलॉजी तो वो अप्लाई कर सकते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइट्स में। और अगर स्टूडेंट के 60% मार्क्स है एफएससी प्री मेडिकल के साथ या इसके इक्विवेलेंट यानी कि ए लेवल्स में तो वो एलिजिबल है अप्लाई के लिए बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में। हेल्थ की बात करें तो बीएस पब्लिक हेल्थ साइंस एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो बीएस फिजियोलॉजी में है। अगर स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं, सेकेंड डिवीजन है इन एफएससी में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, एफए, आईसीएस या आईकॉम में, तो एलिजिबल है फॉर अप्लाई के लिए। एडमिशन टेस्ट की बात करते रहे तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने एमडी कैट नम्स पास किया हुआ है जो कि 16 अक्टूबर 2022 को हेल्ड हुआ था, या पीएमसी के एमडी कैट पास किया हुआ जो 30 नवंबर को हुआ था। इसके अलावा अगर स्टूडेंट ने ये दोनों टेस्ट नहीं दिए हुए तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है फ्राइडे 13 जनवरी को, तो स्टूडेंट को वो पास आउट करना होगा, देन ही वो एलिजिबल है फॉर एडमिशन के लिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। मेरिट डिटरमिनेशन की बात करते हैं तो एंडी टेस्ट में 50% मार्क्स आना आपकी कंपल्सरी है, देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए। इसके अलावा आपके इंटरमीडिएट में 40% मार्क्स और आपके मैट्रिक में 10% मार्क्स की वेटेज रिक्वायर्ड है फॉर एडमिशन के लिए। अप्लाई करने के लिए आप इनके वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 30 दिसंबर से, लास्ट डेट है अप्लाई की जो है वो 30 दिसंबर, और 3500 रुपीज आपकी प्रोसेसिंग फी। अगर कोई भी कैंडिडेट लेट फी के साथ अप्लाई करना चाह रहा है तो वो 5000 रुपीज पे कर सकते हैं 6 जनवरी तक, वो लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो कंडक्ट होगा 13 जनवरी को, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट है 27 जनवरी को, और जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी को स्टार्ट होगी क्लासेस। इसके साथ अगर सिलेबस की बात करते हैं और पैटर्न की, तो नम्स की वेबसाइट पे मौजूद है। जो टेस्ट है एमडी कैट या नम्स जो हेल्ड हुआ था 16 अक्टूबर को, या पीएमसी का टेस्ट अगर स्टूडेंट ने नहीं दिया हुआ तो उनके लिए कंपल्सरी है कि वो नम्स के एडमिशन टेस्ट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कंडक्ट किया जा रहा है उसमें लाजमी अपेयर हो, अदरवाइज वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। टाइमिंग एंड इंस्ट्रक्शन जो है एप्लीकेंट की, जिन्होंने टेस्ट में अपेयर होना होगा, वो वेबसाइट पे मौजूद है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, रीडआउट कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी, हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की आपको जरूरत नहीं। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल या पोस्टल एड्रेस मेंशन किया, आप फर्दर क्वेरीज के लिए कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या अगर आप यूनिवर्सिटी विजिट करें तो आप विजिट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उस हिसाब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे आए, यहाँ पे अपना फुल नेम, वैलिड ईमेल एड्रेस आपने मेंशन करना है, आईडी कार्ड, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड आई एम नॉट अ रिपोर्ट, और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली क्लिक हियर टू लॉगिन पे आपने चले जाना है, और यहाँ पे अपना वही ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंटर करना है। आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करके आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप टेस्ट की डिटेल्स वगैरह एंटर करेंगे। बट अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप जो ना उसका टेस्ट कंडक्ट हो रहा है अंडर ग्रेजुएट के लिए 30 जनवरी को, तो आप वो दे सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एमआईटी की एडमिशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, सिक्योरिटी फी है, ट्यूशन फी है, एग्जामिनेशन फी और नेट पेयर फी यानी कि 45,000 रुपीज फी है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की फी हमारे पास है वो भी सेम है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एचएस की, कार्डिक परफ्यूजन की, तो उसकी भी 4500 रुपीज फी है। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स की हमारे पास 1 लाख से अबव फी है। एमएस माइक्रोबायोलॉजी की भी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी की भी 1 लाख से अबव है। बीएस जेनेटिक्स की, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड बीएस फिजियोलॉजी के आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि नेट पेएबल फी आपकी कितनी होगी। एग्जामिनेशन ट्यूशन फी इनकी काफी ज्यादा हाई है, दैट्स वाई इनकी फी जो सी है वो ज्यादा है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट की मेरे से कोई भी क्यूरी है एडमिशन के अबाउट, तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।